हेलो टू एवरीवन, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट बाय डॉक्टर दान। आप सभी देखने वालों दर्शकों को हम कहते हैं खुश आमदीद। आपका अपना चैनल ही आवाज लेके आ गए हैं आपके लिए मैन बिफोर द बिग वन, बैटल ऑफ द बिग वन, क्लैश ऑफ द टाइटंस, द मोस्ट फियरेस्ट राइवलरी इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं स्पोर्ट्स की दुनिया को उठा दूँ, आई मीन के कलेक्टिवली अगर उठाऊँ स्पोर्ट्स के मैचेस को और स्पोर्ट्स की दुनिया को, तो स्पोर्ट्स की दुनिया में जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एशेज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कीवीज और ऑसीज आपस में टकराती हैं कैंगरूज के बाद, और उसके बाद अगर मैं ओवरऑल देखूँ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इसी तरह मैं अगर देखूँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बट ये सब राइवलरीज जो है वो पीछे रह जाती है, क्योंकि है इससे भी बड़ी राइवलरी जो कि है मोस्ट फियरेस्ट राइवलरी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एगाथा क्रिस्टी जिंदा होती और वो नॉवल लिखती तो शायद वो इससे ज़्यादा सनसनीखेज ना होता। अगर ड्रैकुला का जो राइटर है वो ड्रैकुला के ऊपर एक नया नॉवल लिखते तो शायद वो इससे ज़्यादा हॉरिफाइड या इससे ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना कर सकता जितना कि ये आर्च राइवल। जब इंडिया और पाकिस्तान मिलती है तो जो मज़ा पैदा होता है माहौल में और जो लुत्फ वाला होता है क्रिकेट का खेल का, तो नाज़रीन ऐसा ही एक खेल जो है आपसे चंद घंटे दूर है और हम इस वक्त कर रहे हैं प्री मैच ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 द बिग वन, जहां पर ये मैच खेला जा रहा है ये पाकिस्तान और भारत के माबैन। अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत ने क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, दोनों टीमें कब कब मिली, कितनी बार मिली, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो देखें जो आर्च राइवल्स आपस में मिल रही हैं, ये कोई ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे मिल रहे हैं ये ग्राउंड भी कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है, बड़ा ग्राउंड है, तारीखी ग्राउंड है, हिस्टोरिक ग्राउंड है, यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है इन द पास्ट, और इसका नाम है ग्राउंड का ओवल। ओवल के बारे में हमेशा एक मैं बात करता होता हूँ अपने प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के लिए ये ग्राउंड किसी हद तक खुशकिस्मत कह सकते हैं। पाकिस्तान जब जब लंदन आता है पाकिस्तान की कामयाबी जो है पाकिस्तान के कदम चूमती है, और जब जब पाकिस्तान लंदन से अवे जाता है वहाँ पर पाकिस्तान जो है मैच लूज करता है। सिवाय हेडिंग्ले लीड्स के पाकिस्तान मैनचेस्टर में भी स्ट्रगल करता है, ओल्ड ट्रैफर्ड में भी, और जब वेस्टर्न जाता है बर्मिंघम तो वहाँ भी करता है। लेकिन अब पाकिस्तान अपने लकी ग्राउंड के ऊपर जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उनके अपने कप्तान यूनस खान के साथ जो है उस वक्त की श्रीलंकन टीम को शिकस्त देके फाइनल में 2009 में कामयाबी हासिल की थी। तो पाकिस्तान का किसी हद तक ये लकी ग्राउंड है। ओवल के मैदान में बताना चाहता हूँ आपको कि ये थोड़ा लंदन से साउथ की जाने वाकया है, और जो ट्रेन स्टेशन आप लेते हैं वो ओवल के नाम से ही है, डी ओवल के नाम से जो स्टेशन पे सफ़र करते हैं जब पहुंचते हैं वहाँ पर, तो क्रिकेट ग्राउंड का जो है वहाँ पर ट्रेन के स्टेशन पे इशारा दिखाई देता है आपको कि दिस इज़ द वे यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द क्रिकेट पवेलियन एंड द क्रिकेट स्टेशन। और ओवल का जो ग्राउंड है जो लंदन के साउथ में वाकया है, इसके बारे में मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये ग्राउंड जो है अब किया ओवल के नाम से जाना पहचाना जाता है, नो बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर्स रीजंस अब इसको किया ओवल कहा जाता है। और उसके बाद आपको एक और बात बताना चाहूँ कि ये जो ग्राउंड है ये सरे क्रिकेट काउंटी क्लब जो है उसका घर है। सरे के बारे में आप जानते होंगे, फॉर द इंग्लिश रीजंस बहुत बड़ी काउंटी है, जिस तरह के यू आर सीइंग द लॉट ऑफ काउंटीज द समरसेट, वॉरविकशायर, सरे इज़ द काउंटी वेयर एलेक्स स्टुअर्ट वॉज प्लेइंग। एलेक्स स्टुअर्ट बड़ा नाम सरे से, 1992 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता था तो यहाँ पर जो इंग्लिश विकेट कीपर थे उस वक्त के लूजिंग इंग्लिश साइड, जो ग्राहम गूज की इंग्लिश साइड थी, तो वो विकेट कीपर थे, उनका ताल्लुक भी इसी सरे की काउंटी से था। और ये जब ओपन किया गया सरे के लिए इस ग्राउंड को, तो दैट वॉज द ईयर 1845 तारीख में वो साल हमें डेट बैक करता है जब ओवल का ग्राउंड जो है वो इस काउंटी के लिए मखसूस किया गया था। और उस वक्त से लेके आज की तारीख तक, करंट डेट तक, सरे काउंटी आर द प्राउड टेनेंट्स ऑफ दिस क्रिकेट ग्राउंड ओवल। बातों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताना चाहूँगा कि ये वो पहला ग्राउंड था 1880 में ये वो पहला ग्राउंड था जहाँ पर क्रिकेट का आगाज़ हुआ था और इंग्लैंड ने अपने आर्च राइवल्स, अपने हरीफ
ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट का आगाज़ किया था। जो अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं जब क्रिकेट हुई तो वो इस मैदान पे खेली गई अपने राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बाद अजाम बेशुमार जो हैं उसके बाद तारीखी टेस्ट यहाँ पर खेले गए। पाकिस्तान की टीम ने भी तारीखी टेस्ट मैच खेले और भारत की टीम ने भी तारीखी मैच खेले। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जहन में अचानक आई वो ये है कि ये जो ग्राउंड है ओवल, ये बड़ा ख़ास ग्राउंड है इस हवाले से कि यूजुअली जब इंग्लिश सीज़न का आगाज़ होता है, जब टीम अवे टीम आती है वहाँ पर टूर करने के लिए अपने अवे होम में, और इंग्लैंड अपने होम में क्रिकेट खेलते हैं अपने सीज़न जब होता है, यूजुअली द लास्ट टेस्ट ऑफ द इंग्लिश सीज़न है बीन प्लेड ओवर देयर। इस ग्राउंड के अंदर यूजुअली जब इंग्लैंड की टीम अपने मेहमानों को बुलाती है तो आखिरी मैच जो है वो इसी ग्राउंड पे खेला जाता है, यूजुअली दिस इज द ग्राउंड। तो अभी जब हाल ही में पाकिस्तान ने यहाँ दौरा किया, मिसबाहुल्लाह की टीम पाकिस्तान ने, तो आपको याद होगा यूनुस खान की हीरोइक्स, तो पाकिस्तान की टीम ने भी अपना जो आखिरी मैच है वो इसी ग्राउंड पे खेला था। और जब पाकिस्तान यहाँ गया है बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। 1987 का इमरान खान से पाकिस्तान जब ज़बरदस्त हीरोइक्स थे जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, इमरान खान की बड़ी ज़बरदस्त पारियां हमने देखी। सरे क्रिकेट जो काउंटी है उनका ये जो घर है ओवल, इसके दो एंड्स हैं जहां से बॉलिंग होती है, एक इनको पेविलियन एंड है और दूसरा जो है वॉक्सहॉल एंड के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी अरसे से इसके लिए मखसूस है। कुछ ट्रेन स्टेशन की बिना पर इनके नाम डाले गए हैं जो अभी तक कायम दायम है। विद ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री जो हम याद करते हैं ज़माना कदीम से जो नाम है उनको चेंज 7 सितंबर 1973 इज अ हिस्टोरिक डे फॉर दिस वेरी ग्राउंड ओवल, जहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है। इस रोज ओडीआई का पहला मैच जो है जो इंग्लैंड की तरफ से खेला गया वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो इसी ग्राउंड पे खेला गया। ओवल को ही ये एजाज़ हासिल है कि उस वक्त की वेस्ट इंडियन टीम जो है वो यहाँ पर मैच खेलने आई। एंड व्हेन आई से वेस्ट इंडीज़ आई मीन इट, दैट माइटी वेस्ट इंडीज़ जिनका मैं आज भी फैन हूँ। डेस्मंड हेयर्स, गॉर्डन ग्रिनेज, काली चिरन, जुअल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, क्लाइव लॉयड, बड़े बड़े नाम वेस्ट इंडीज़ ने पैदा किए। शायद क्रिकेट के अंदर दोबारा कोई टीम इतनी दहशत एक छत तले दोबारा ना प्रोड्यूस कर सके। दैट वॉज द हिस्ट्री। आप सभी जानते हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं कि उन्होंने क्रिकेट पर अपनी जो धाक है वो उस ज़माने में कैसे बैठाई। 1870 में यहाँ पर ओवल के लिए एक और तारीखी लम्हा आया जब 1870 में यहाँ पर फुटबॉल का आगाज़ हुआ और फुटबॉल के जो क्लब मैचेस हैं वो यहाँ पे हुए। और बाद अजां एफ़ए कप जो है आप जानते हैं, मशहूर ज़माना एफ़ए कप जो खेला जाता है इंग्लैंड में, एफ़ए कप जो है वो बेशुमार दफ़ा यूके में यहीं इसी ग्राउंड के ऊपर उसके फाइनल्स खेले गए और इसको शर्फ बख्शा गया उनको इनेकाद कराने का। और जो इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला मैच, ऐसा सच मैच, इंटरनेशनल मैच जो खेला था फुटबॉल का, वो भी इसी ग्राउंड पे खेला था और वो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट था। और उस वक्त इस ग्राउंड को कन्वर्ट करके इसकी बाउंड्री स्कोर, उसकी डायमीटर्स और पैरामीटर्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए थे, और इसी ग्राउंड पे जो है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने खेला। एंड दैट वाज द ईयर आल्सो 1870 1870। और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफ ए कप हुआ, मैं आपको भी बताना चाहूँगा 1872, उसके बाद 1874 और उसके बाद 1892 में जो है इस ग्राउंड ओवल के ऊपर जो है इंग्लैंड टीम जो इंग्लिश सीज़न जो है उसका एफ ए कप जो है वो खेला गया। कुछ और बताऊंगा जी आपको इस ग्राउंड के बारे में कि जो अगर मैं 1880 से और 1875 पीछे चला जाऊं तो हमें जो अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं क्रिकेट के, जो क्रिकेट का सबसे पहले जब यहां पर वो कहते हैं ना झंडा गाड़ा गया, जब यहां पर बेल्स लगाई गई और विकेट जो है वो ज़मीन के अंदर ठोंके गए और बल्ला जो है वो घूमा इस ग्राउंड के ऊपर और इस जो मुझे ट्रेसेस मिलते हैं वो 17th सेंचुरी में मिलते हैं। एंड दैट वाज बैक इन 1724 18th जून। 18 जून को उस वक्त का एक क्लब था डॉटफोर्ड, लंदन ने उससे मैच खेला डॉटफोर्ड से, और उसके बाद जो है कहते हैं कि क्रिकेट का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो गया। और वो बुनियाद थी 1724 में जब क्रिकेट ने इस पर बाकायदा दे बूट अप इन दिस हिस्टोरिक ग्राउंड ओवल। ओवल की जब आप पिक्चर्स देखते हैं, आप हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर आपको पिक्चर्स दिखा सकें ओवल ग्राउंड की, तो जो ओवल ग्राउंड की पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि नज़र आता है एक पीछे मशहूर ज़माना सर्कल नज़र आता है,
तो ये एक पानी का टैंक है जो 19वीं सदी में नस्ब किया गया था, बाद में इसको तोड़ा गया, इसको दोबारा नस्ब किया गया। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जब छक्के लगते हैं और जब वो दिखाते हैं दूर से वो जो कमेंट्री जानब से दिखाते हैं तो वो आपको दूर से वो टैंक नज़र आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है साउथ ऑफ लंडन को जितना भी सिस्टम है वो सिस्टम की तरफ डिलीवर कर रहे हैं। यही टैंक जो है जो पानी का जो ख़जाना है, तो ये भी जस्ट ओवल के साथ है और दिखने में ये लगता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ओवल, लेकिन ये जस्ट इट इज़ एडजेसेंट टू द ओवल क्रिकेट ग्राउंड। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अगली बात बताते हैं आपको। आज जी हमारे जो यंग कैमरामैन हैं उनका आज ये पहला दिन है आज शूटिंग का, तो उनके मैं अपने कैमरामैन जो है उनकी पसंद के मुताबिक एक चीज़ बताना चाहूँगा जो उनके इंटरेस्ट के लिए है कि यहाँ पर जब वर्ल्ड वार हुई थी या वर्ल्ड वार का ज़माना आया था, तो वर्ल्ड वार के अंदर ये ग्राउंड ओवल का ग्राउंड जो है बड़ी तारीखी अहमियत रखता है। वर्ल्ड वार के अंदर इसको तैयार किया गया था कि जब पैराशूटर्स को ट्रैप किया जाएगा, जब पैराशूट से जब वॉर हुई थी वर्ल्ड वार, तो जब पैराशूट से जो जंपिंग होगी तो उसमें डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि उनको जो कैदियों को जो POW बनेंगे और प्रिजनर ऑफ वॉर जिनको पकड़ा जाएगा पैराशूट के ज़रिए जो उतरने वाले हैं उन सबको इसी ग्राउंड में इकट्ठा करके बंद किया जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली हिस्ट्री ये बता रही है कि लेकिन इसको डिज़ाइन किया गया था उस वक्त कि भाई जितने पैराशूट होंगे जिनको कैदी बनाया जाएगा उस वर्ल्ड वार में उनको इसी ग्राउंड ओवल में उतारा जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कैंप यहाँ पर ना बन सका। लेकिन यहाँ पर उसी जंग के दौरान जब वर्ल्ड वार थी तो यहाँ पर सर्च लाइट्स पूरे शहर में जहाँ भी ट्रांसफ़र होता था लाइट्स का या सर्च लाइट्स इंस्टॉल होती थी तो वो इसी ग्राउंड के ऊपर होती थी। सर्च लाइट्स में वो यहीं से सारा जो सिटी को ट्रांसफ़र किया जाता था एंड मोर ओवर टू सी द एनिमीज द सर्च लाइट्स वर यूज ओवर द टॉप ऑफ दिस वेरी स्टेडियम। आगे बढ़ा दूँ जी बात को कि ओवल के पास एक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिकॉर्ड विच मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट हैव बीन नोइंग, दिस वाज द ग्राउंड एरिया इन द वर्ल्ड सिंस जब उसके स्टेडियम लाहौर जो है वो नहीं बना। आप यकीन हैरान में बगैर भी रह सकेंगे कि इस वक्त अगर आप प्लेइंग एरिया देखते हैं क्रिकेट फील्ड के अंदर तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से ज़्यादा और किसी का स्टेडियम का रकबा जो है वो बड़ा नहीं है। दोबारा गौर तक बात है, प्लेइंग एरिया की बात हो रही है, बट बिफोर कज़ाफ़ी स्टेडियम ओवल वॉज हैविंग द लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, बट नाउ ओवल स्टैंड्स सेकेंड कंपटीशन। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि यहाँ पर क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, क्रिकेट में मैच जो है वो ये पहली मरतबा नहीं है कि इतना बड़ा मैच जो है चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर होने जा रहा है। T20 का आपको बताया कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो यहाँ पर हुआ 2009 में, बट डेटिंग बैक टू द 1975 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट टाइम दिस ग्राउंड ओवल सॉ अ बिग चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट एंड 1975 वर्ल्ड कप वाज प्लेड ओवर द ईयर विच क्लाइव लॉयड्स वेस्ट इंडियन टीम पिक्ड इट इन अ स्टाइल एंड देन लेटर ऑन 1979 का वर्ल्ड कप आया और दोबारा यहाँ पर जो है वो मैच खेलने का एहसास मिला। फाइनल्स यहाँ पर जो फाइनल राउंड्स हुए फाइनल मैचेस, बाकी मैच तो लॉर्ड्स में हुआ था फाइनल मैच, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो 1975 1979 फिर 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर इसी ग्राउंड पे मैचेस हुए एंड देन व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द 1983 जहाँ पर भारत की टीम ने वो पहली टीम बन गई वेस्ट इंडीज़ के अलावा जिसने वर्ल्ड कप जीता था, तो 1983 के अंदर भी ग्राउंड के ऊपर मैच हुए एंड देन बाद जब 1999 वर्ल्ड कप की बारी आई और बड़े अरसे के बाद क्रिकेट कम्स बैक होम और जो क्रिकेट जो है वो दोबारा अपने ओरिजिन की तरफ आई, तो 1999 के अंदर भी इस ग्राउंड के ऊपर मैचेस हुए। आल्सो कि जो फाइनल मैच था वो दोबारा एक दफ़ा क्रिकेट के हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में हुआ जहाँ पर उस वक्त की स्टीवन वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम ने उस वक्त की वसीम अक्रम पाकिस्तान टीम को एक यकतरफा मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दे दी थी। लेकिन आपको ये बताने का मकसद ये था कि दिस इज़ द हिस्ट्री, बड़े मैचेस बड़े चैंपियनशिप के मैचेस जो कराने का एहसास है वो इस ग्राउंड को शुरू से ही रहा। और इसके अलावा अगर मैं डिस्प्यूट की तरफ जाऊँ कि क्रिकेट के अंदर डिस्प्यूट भी रही बहुत से जगहों में, तो 2000
2006 में अगस्त का महीना जारी था जब पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लिश टूर के ऊपर थी और अपना इंग्लिश समर खेल रही थी और वहाँ पर इंज़मामुल हक जो है पाकिस्तान की जानिब से वो टीम लेके गए वहाँ पर और एक बड़ा अनवांटेड वाकया क्रिकेट की तारीख में हुआ। आप सभी को याद होगा कि उस वक्त के अंपायर डेरिल हेयर ने एक बॉल पे पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम को 5 runs अवार्ड कर दिए। 5 runs वर अवार्डेड अगेंस्ट द टीम ग्रीन एंड दिस 5 runs वर अवार्डेड टू द इंग्लिश टीम और लेटर ऑन ही ऑल्सो चेंज द बॉल चेंज करने की बिना पे पाकिस्तान टीम गुस्से में आ गई और इंज़मामुल हक टीम को लेके पेविलियन वापस चले गए एंड देन ही मूव्ड बैक टू द पेविलियन एंड लेटर ऑन मैच वाज अबॉन्डेंड एंड देन इंज़माम वाज आस्क्ड टू कम बैक ऑन द फील्ड एंड टू रिज्यूम द प्ले लेकिन इंज़माम ने कहा कि जब तक वो 5 runs वापस नहीं दिए जाते और उन पर जो बॉल चेंज की गई है ये दिस वॉज द बायस थिंग ये हम नहीं वापस आएंगे। तो चौथे दिन का खेल जो है वो जारी था और इवन इस मैच की खास बात यह है लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना किया एंड अल्टीमेटली द मैच वाज अवॉर्डेड टू द इंग्लिश टीम एंड पाकिस्तान लॉस्ट दिस मैच अनफॉर्चुनेटली और हम इसको क्रिकेट का ब्लैक डे भी कहते हैं वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ 22 मई और ये 1999 का साल था और जस्ट ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है 22 मई 1999 यहाँ पर 103 रन स्कोर हुए ODI के अंदर। ये इस ग्राउंड ओवल के ऊपर जहाँ पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है इस ग्राउंड का सबसे कम स्कोर है और बदकिस्मत टीम कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम थी। जब जब बदकिस्मती ने क्रिकेट का रुख किया इंग्लैंड की टीम ने कहा यस आई एम अवेलेबल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल हो ODI क्रिकेट के फाइनल हो या T20 के मैचेस हो या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल हो इंग्लिश टीम जो है नहायत बदकिस्मत टीम रही। इस ग्राउंड के ऊपर भी जो सबसे कम टोटल था वो इंग्लिश टीम का था और इंग्लैंड की टीम जो है वो मैच साउथ अफ्रीका से 1999 में हार गई। अब चलते हैं जी थोड़ा मैं उस तरफ के इस ग्राउंड के ऊपर सबसे ज़्यादा रन जो है वो किस टीम ने बनाए तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि वो जो 398 रन बने थे वो किस टीम के खिलाफ बने थे वो भी कोई और बदकिस्मत टीम नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम थी। इंग्लिश टीम के खिलाफ 398 रन स्कोर हुए थे और वो 12 जून 2015 को थे और वो न्यूजीलैंड की टीम ने उस वक्त किए थे और इंग्लैंड की टीम वो मैच भी हार गई थी। ये तो थी जी स्टोरी के मैक्सिमम मैचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रन बीन स्कोर्ड बाय द टीम एंड द मिनिमम रन स्कोर्ड बाय अ टीम। तो ये दोनों एजाज जो है एक दोनों अनवांटेड जो है एक दोनों अनवांटेड जो है इंग्लैंड के खिलाफ पास है कि एक ने उन्हें किया था दूसरे में उनके खिलाफ हो गए। ये जो गेम होने जा रही है इसके बारे में बता दूँ आपको कि इसमें जो धर्मा सिन्हा बड़ा नाम जो है एम्पायरिंग का वो इस वक्त ग्राउंड पे नहीं होंगे क्योंकि वो ग्राउंड से बाहर होंगे मैच रेफरी की सूरत में। कुमार धर्मा सिन्हा और रॉड टकर जो हैं वो फील्ड से बाहर होंगे लेकिन ऑन फील्ड अंपायर जो हैं वो एरस्मस और रिचर्ड्स कैटलब्रो होंगे। ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि मैच में क्या होने जा रहा है लेकिन आर्च राइवल्स ने भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। 15,000 का ये जो स्टेडियम है ये सोल्ड आउट है। यहाँ पर जो टिकट्स आखिरी टाइम पर जो दोबारा रीसेल किए गए कुछ लोगों ने टिकट्स छोड़े जो दोबारा रीसेल हुए उन टिकट्स की प्राइस यू वोंट बिलीव व्हाट्स द प्राइस 500 pounds फॉर वन टिकट। 500 pounds का एक टिकट जो है इस फाइनल के लिए मुख्तस किया गया है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस ग्राउंड पे टिकट्स के लिए। भारत का पल्ला जो है वो भारी है कि चैंपियनशिप्स के अंदर अगर ICC चैंपियनशिप्स में देखूं तो वहां पर भारत जो है वो ज़्यादा मरतबा जीता है और पाकिस्तान को सिर्फ 2 मरतबा मौका मिला है कि किसी ICC टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त दे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिकॉर्ड उठाऊँ तो वहाँ पर 8 में से 6 दफ़ा पाकिस्तान का पल्ला भारी है चाहे कोई भी ग्राउंड हो। अक्सर भारतीय नागदीन जो है उनका कहना है कि वो ग्राउंड एक मखसूस था ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो वहाँ पर पाकिस्तान का पल्ला जो है वो भारी है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की बात करूं तो यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि 2-2 से मैच जो है वो बराबर है। 2 मैच भारत की टीम ने जीत रखे हैं और 2 मैच वो पाकिस्तान की टीम ने जीत रखे हैं। जो अवलीन जो अगर मैं बात करूँ चैंपियनशिप्स की तो
चैंपियनशिप्स के अंदर जो अवलीन चैंपियनशिप का फाइनल पड़ा जो दोनों टीमों के माबैन हुआ वो 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट थी, जहां पर सुनील गावस्कर की टीम ने जावेद मियांदाद की पाकिस्तान टीम को 1985 में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे दी थी। और उसके बाद मेलबर्न के बाद दूसरा जो बड़ा चैंपियनशिप आई थी जहाँ पर फाइनल में जो दोनों सामने थे वो ऑस्ट्रेलिया कप था जो अप्रैल 1986 में खेला गया था जो पाकिस्तान